हाय फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई होप यू आर वेल। सो फ्रेंड्स, आज मैं हक्का नूडल्स बनाऊंगी और आपको दिखाऊंगी कि मैं कैसे बनाती हूँ। फ्रेंड्स, देखिए, मैंने पेन डाला है, पेन में पेन पुट किया है गैस में, एंड ऑयल डाला है इसमें। अभी हीट हुई थी थोड़ी सी, फिर मैंने ऑनियन डाला है। ऑनियन को ज़्यादा ब्राउन नहीं करूँगी क्योंकि अजीब सा फीलिंग होता है उसको डालने से, तो थोड़ी कच्चापन रहना चाहिए बिकॉज हक्का नूडल्स में थोड़ी सी इसकी क्या बोलते हैं, अगर फ्राई हो जाती तो वो सब्जी की लटी करती, बट इसमें कच्ची ही कितनी लू डाल के खाते हैं, और ये ज़्यादा कुक कर दूंगी तो अच्छा नहीं लगेगा। अब मैं थोड़ी सी तेल डालूंगी। अब ये देखिए, अगर आपको, आप वॉच कीजिए, अगर आपको सी हो रही है तो ये इसकी लुक देखिए थोड़ी सी चेंज हो गई है। अगर मैं ब्राउन कर दूंगी तो ये ओनियन का वो जो निखार है वो नहीं आती। हक्का नूडल्स के लिए ओनली बोली, बाकी और किसी चीज़ के लिए नहीं। फ्रेंड्स, अब मैं पेन डाली हूँ, अब मैं क्या डालूँगी वो दिखाऊँगी, वेट एंड वॉच। हेलो फ्रेंड्स, अब देखिए मैंने इसमें थोड़ा सा हल्की सी पी को फ्राई किया है, अब मैं कुछ इसमें डालूँगी, अब देखो मैं क्या डालूँगी। हेलो फ्रेंड्स, ये देखिए मैंने टमाटो ऐड किया है इसमें, अब मैं इसको मेल्ट करना है मेरे को इसमें। थोड़ी सी मेल्ट नहीं होगी तो इसकी जो स्वाद होती है, जो टेस्ट होती है वो आएगी नहीं हक्का नूडल्स में। मैं ऐसे ही बनाती हूँ फ्रेंड्स, मुझे जैसी आती है मैं वैसे ही आपको दिखाना चाहती हूँ। एंड आप सभी कैसे बनाते हो आई डोंट नो, प्लीज़ इफ़ यू डोंट माइंड, अगर मुझे नहीं आती तो इसके लिए सॉरी। मुझे इसी तरह से आता है और मुझे इसी तरीके से पसंद आती है फ्रेंड्स। अगर आप इसको इस्तेमाल करेंगे अपने होम में तो आप यूज़ करके एक बार देखना, रिक्वेस्ट है आपसे। अगर आप थोड़ी सी भी अंडरस्टैंड करते हैं तो आप देखना कितना इसकी टेस्टी होगी, कितनी खूबसूरती होगी। यकीन नहीं मानेंगे कि आप फिर बार 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 अगेन टू अगेन आप बना कर ये आप कुक कर ये किचिंग करेंगे हक्का नूडल्स। ये तो बहुत सिंपल में कितने लोग हक्का नूडल्स बना लेते हैं, क्योंकि उसमें तो मसाले की ऐसा पाउच आती है। बट मैं थोड़ा सा कुछ इसमें ऐड कर देती हूँ, वो आपके ऊपर है, एज यू विश। जैसे आप कुछ भी ऐड कर सकते हैं, अगर आप नॉन वेज ईटिंग करते हैं तो चिकन, मटन या एग, अगर वेजिटेरियन है तो सोया चंक या कोई भेज कैरोट वगैरह कुछ भी। मैं इसमें टमाटो ऐड की हूँ और क्या ऐड करूँगी वो भी दिखाऊँगी। हेलो फ्रेंड्स, ये देखिए मेल्ट हो गई है और इससे मैंने थोड़ा सा कैरोट भी डाला है। आप अगर लाइटली वॉश करेंगे तो देखिए आपको कैरोट वॉश होगा, हल्की होगा। देखिए ये देखिए, आप केयर करिए आप यहाँ पर मैंने क्या डाला है। एंड फ्रेंड्स, ये थोड़ी सी फ्राई हो चुकी है, ज़्यादा करूँगी तो ये पूरा सॉफ्ट हो जाएगी एंड मेल्ट ही हो जाएगी, इसलिए आप थोड़ी सी मैं मसाले की बताऊँगी कि मैं मसाले में क्या डालना चाहती हूँ। एंड मैं ऐड करती हूँ, आप सभी की तो मुझे नहीं पता, आई डोंट नो, मैं डालती हूँ। देखिए आपकी मर्जी है, आप जितना चिली ईटिंग करना चाहती हूँ, मैं तो थोड़ी ही डालूँगी क्योंकि और सब भी ईट कर सकती, किसी को स्पाइसी पसंद होती किसी को नहीं, इसलिए मैं थोड़ी सी लिटिल बिट डालूँगी। एंड थोड़ी सी टर्मरिक डालूँगी एंड समथिंग ही है, एंड सम डालने से ठीक होता है, क्योंकि एक्चुअली क्या होता है कि वो ज़्यादा स्पाइसी अच्छी भी नहीं लगती है हक्का नूडल्स में। एंड ये हक्का नूडल्स की जो स्पाइस है उसको मैंने पैकेट को शेयर किया, वो भी मैं पॉर करूँगी, मैंने डाल दिया। एंड इससे मैं आप थोड़ी सी साल्ट डालूँगी, सम आप लिटिल बिट डाल के बस इसको मिक्स कर दीजिए आप। एंड ये आप देखिए इसकी लुक, मैंने कम डाला है क्योंकि इसकी थोड़ी सी साल्ट इसको डालने से थोड़ी सी इसकी टेस्ट अजीब हो जाती है। बाद में भी डालूँगी, थोड़ी डाली हूँ अभी, लेकिन फिर डाल कर थोड़ा सा मैंने भेज को ऐसे कर लिया है। अब मैं दिखाऊंगी कि मैं अब क्या करूंगी। एंड फ्रेंड, मैं अब शो कराती हूँ कि मैंने क्या डाला है, मैंने अब हक्का नूडल्स डाला है। एंड अब थोड़ी सी मैं इसमें थोड़ी देर बाद, अभी नहीं, मैं पुदीना मटर डालूंगी इसमें, ये साल्ट की ऐसा कलर होती है। आई डोंट नो आप तो क्या कहते हो, बट मैं यही कहती हूँ, मेरे को भी नहीं पता था, जब मैं किस वीडियो में देखती थी कभी यूट्यूब में तो वो डालते थे, या चाउमीन जब मैं लाने जाती थी मंगाती थी तो मैं कभी कभी किसी से पूछती थी इसमें क्या डाले जाते हैं, तो कितने लोग मुझे बताते थे कि अजीना मोटर इसको बोलते हैं।
ये बहुत टेस्टी होती है, बट ये ज़्यादा भी नहीं खाई जाती है, बहुत ख़राब चीज़ भी होती है, नुकसान भी होती है, पर चाउमीन में थोड़ी बहुत यूज़ कर सकते हैं। मैंने हक्का नूडल्स में थोड़ा सा यूज़ किया है, आप डालकर देखना, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होगी। सो फ्रेंड वेट एंड वॉच, मैं आप क्या डालूँगी ये दिखाऊँगी। हेलो फ्रेंड्स, देखिए मैंने थोड़ी सी फ्राई किया है, मैंने मिक्स कर दिया एंड अब अजीना मटर में डालूँगी। देखिए हाफ स्पून है, फुल मैंने नहीं लिया, इसकी टेस्ट सब में ही हो जाती है, थोड़ी थोड़ी, ज़्यादा नहीं करूँगी। एंड इसमें आप थोड़ी सी साल्ट भी मैंने डाला है एंड मैं आपको थोड़ी सी दिखा देती हूँ मैंने कितना डाला है। एंड हाय फ्रेंड्स, देखिए रेडी हो गई है एंड मैंने इसको पूरा मिक्स किया है एंड इसकी टेस्ट, इसकी जो स्मेल है आप सोच नहीं सकते हो कितना नाइस स्मेल है। वाओ, खुशबू तो एम भागी जा रही है, ऐसा लग रहा होगा आपको कि अभी प्लेट में सर्व कर दिया जाए एंड मैं वही करने जा रही हूँ क्योंकि मेरी डन हो गई है मेरी हक्का नूडल्स, मैं प्लेट में सर्व करूँगी एंड फिर आपको वॉच कराऊँगी। वेट एंड वॉच मेरी कुक हो चुकी है। ओ माय गॉड, लुक हेयर फ्रेंड्स, इसकी लुक देखिए है ना अमेजिंग। सो फ्रेंड्स प्लीज़ 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 आप इसको वॉच कीजिए एंड प्लीज़ लाइक कीजिए फ्रेंड्स एंड प्लीज़ प्लीज़ देखिए फ्रेंड्स, मैंने बहुत ही हार्ड वर्क करके आपको दिखाने की कोशिश की हूँ एंड ट्राई करती हूँ एंड छोटे छोटे मोमेंट और भी लाऊँगी। अभी फ़िलहाल मुझे यही अच्छा लगा इसलिए मैंने आपको ये दिखाया, और भी कुछ लाऊँगी मैं दिखाऊँगी। और फ्रेंड्स प्लीज़ इसकी लुक कैसी लग रही है, इसकी फार्म तो निकलती जा रही है एंड हॉट हॉट है। सो फ्रेंड मुझसे तो वेट नहीं हो रही है, मैं जा रही हूँ ईट करने एंड आपकी माउथ में वाटर जा रही है, तो प्लीज़ आप अपने एट होम में ट्राई कीजिए, नहीं तो वेलकम मई होम, आप आ सकते हो। एंड फ्रेंड्स अगर थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन में ज़रा ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू एंड आई लव यू फ्रेंड्स, बाय।